अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम झींगे टमाटे बनाएंगे। चार डोई थे, ये चार प्याज है ऐसी कटी हुई, आलू तल के निकालेंगे क्योंकि आजकल आलू गल रहे नहीं, पानी ज्यादा डालना पड़ता सालन में, तो तले हुए आलू डालेंगे सालन में। ये आलू को पोंछ ले रहे ताकि पानी नहीं रहे और ये तुआल साफ है। ये एक किलो झींगे है, छीलने से पहले एक किलो, ये छीले बाद एक किलो इतने हुए, इसको इसके साथ तलेंगे प्याज के साथ। झींगों में नमक डाल देंगे क्योंकि ये प्याज भी अच्छा जल्दी गल जाती और झींगों में नमक जाता, अच्छा मज़ा आता झींगों का, बिसान बोने रहती। दो चाय के चमचे नमक है। ये आलू आधे गल गए, अभी आधे सालन में गल जाएंगे क्योंकि आजकल आलू गल रहे नहीं और पानी ज़्यादा नहीं डालते हम लोग सालन में, सूखा सालन है ये। प्याज हमारी भुने गई, अब इसमें मसाला डालेंगे। एक सालन का चमचा अदरक लहसुन, इसमें ज़रा अदरक लहसुन ज़्यादा डालना क्योंकि खुशबू अच्छी आती थी झींगों में, विसान नहीं रहते झींगे। ये एक चम्मच हल्दी है, छोटा चम्मच चाय का, और ये घर की पिसी हुई मिर्ची है इसलिए थोड़ी डाल रहे आधा चमचा क्योंकि तेज है बहुत घर की मिर्ची। जिसको तेज खाना है ज्यादा दाल ले सकते हैं, हम लोग तेज नहीं खाते ज्यादा। ये टमाटे छिलका निकाल के पीस लिए, इसको पीस लेके इसमें डाल रहे क्योंकि टमाटे साबित डाल के भुने तो झींगे टूट जाते, इसलिए ऐसा डालना है इसमें। यही पानी में आलू भी गल जाएंगे। कच्चे पक्के तले हुए आलू है, अब ये टमाटर के साथ पक जाते हैं आलू। ये सालन लाल दिखने टमाटा पेस्ट 60 ग्राम। इसमें नमक कम है एक चमचा और एक चाय का चमचा। ये शिमला मिर्ची है, एक छोटी शिमला मिर्ची, एक और ये तीन हरी मिर्चियां हैं बगैर काटे हुए है, अगर तेज चाहिए तो काट के डालना, और ये कोथमीर है। थोड़ी देर में ये सालन दम हो जाएगा। ये पूरा रेडी हो गया, आलू भी गल गए और सब एकदम तैयार हो गया। बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।